तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल फाइनली सलमान खान फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए एंड उन्होंने बेबिका फलक एंड अविनाश को स्लैम किया। जहां गाइस कल वाले एपिसोड में तो ऑलरेडी वो अविनाश बेबिका और फलक को थोड़ा सा सुना ही थे, अगर आप नहीं जानते हो क्या हुआ तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना। बट या आज वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अविनाश के बारे में ये कहे कि वो अपने ओपिनियन को सामने नहीं रखते हैं, ही इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट नहीं एज एन ऑडियंस लगते हैं। एंड इसीलिए सलमान खान अविनाश को उठा कर कहीं दूर जाकर बैठा दिए एंड बोल दिए कि ऑडियंस ही बनना है ना तो देखते रहो आगे क्या चल रहा है, नो नीड टू टेक पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। इसके बाद वो फलक के ऊपर आए एंड ऑफ कोर्स वो परिवार परवरिश और ये सब चीजों के बारे में बात किए कि उनके हर कॉन्वर्सेशन में फैमिली और परिवार वाला टॉपिक उठ जाता है एंड ये चीज वो बिल्कुल भी गलत करती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अगर कोई गलती करता है तो हम लोग को उसके बारे में बात करना चाहिए, नॉट हिज मॉम एंड डैड और फैमिली। एंड बेबिका के बारे में जब फुकरा इंसान बोले कि वो बेमतलब पोक करती है हर मैटर में सबसे ज्यादा, तो सलमान खान डायरेक्टली बोल दिया आई अग्री बेबिका ऐसा करती है एंड वो ये भी कहे कि उनका बात करने का तरीका बहुत ही गंदा है। इसके बाद सलमान खान जब फुकरा इंसान से बात कर रहे थे एंड डायरेक्टली उनसे पूछे क्या चल रहा है, तब उन्होंने वही अपना और पूजा भट्ट का कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा बात किया कि कैसे थिंग्स सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बट देन जब वो परिवार एंड परवरिश वाला टॉपिक आया तब वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा कि ये अपब्रिंगिंग वाला चीज उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड या सलमान खान उनको इस चीज पर पूरी तरीके से सपोर्ट किए, जैसे ही सलमान खान की तरफ से उनको ये सपोर्ट मिला वो और भी कॉन्फिडेंट हो गए एंड वो और भी ज्यादा खुश लग रहे थे। मनीषा भी आकर उनको कांग्रेचुलेट की कि जनता तुमको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेट। एंड फिर से वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे अपने फैमिली को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं बट जब मेरे मम्मी और पापा की बात आ जाती है वो चीज मेरे दिल को बहुत ज्यादा चुभ जाता है। एंड फिर वो कैमरा की तरफ आकर अपने मॉम एंड डैड को बोले आई लव यू एंड उनको वो फ्लाइंग किसेस दिए। अब जैसे ही सलमान खान ने फलक और बेबिका की क्लास ली उसके बाद फुकरा इंसान के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम जब फुकरा और बेबिका का बात हुआ तो ऐसा लग रहा था कि बेबिका उनका बात एक्चुअली में सुन रही है एंड फुकरा इंसान बहुत ही अच्छा पॉइंट्स रख रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे साथ गलत हुआ वो जैड वाले इंसिडेंट में तो हम सब पूरा घर तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हुआ था, बट क्या तुमने जब भी गलती की क्या तुमने वो पर्सन को जाकर सॉरी बोला, उनसे बात किया? नो, आपने ऐसा नहीं किया। ये ब्रूटल ऑनेस्टी वाला कन्फ्रंटेशन लोगों को बहुत पसंद आया। एंड फिर इसके बाद जब फलक के साथ भी उनका बात हुआ तो फलक बोल दी कि आई प्रॉमिस मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, जिसको देखकर अभी भी लोग थोड़ा सा काइंड ऑफ इफी है। बट या आफ्टर दिस एपिसोड सब लोग ने ये देख लिया कि फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो बेबिका भी काइंड ऑफ उनसे थोड़ा सा दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। लाइव फीड में हम लोगों को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले। एंड या ये एपिसोड को देखकर ऑफ कोर्स फुकरा इंसान के फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर्ड इंसान ये ट्वीट किए रोस्ट बिट इन फायर एंड वो वही कॉन्वर्सेशन को अपलोड किए जो बेबिका के साथ उनका हुआ था और आगे वो कहे जी जी सल्लू भाई ने रख रख के ले ली। एंड फिर वॉन्डरर्स हब भी ये ट्वीट की वन ऑफ द बेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड्स, अभिषेक मलान वाज टियरी आईड एंड इट वाज डेफिनेटली पिंच्ड, ही इज अ लोन सर्वाइवर एंड आई एम सो प्राउड, मजे आ गए। अब ये एपिसोड में खाली फुकरा इंसान को सपोर्ट नहीं मिला बट सलमान खान पूजा भट्ट को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किए। उन्होंने कहा कि उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है एंड जो भी होता है वो मुंह के सामने रहती है, बट एक चीज उनके बारे में ऑडियंस को अच्छा नहीं लग रहा है वो ये है कि फर्स्ट टाइम परवरिश वाला शब्द उनके मुंह से ही बोला गया था फॉर फुकरा इंसान, तो ये चीज सलमान खान क्यों नहीं एड्रेस की है? अगर वो फलक को स्लैम कर सकते हैं उस चीज के लिए तो पूजा भट्ट को भी तो बोलना चाहिए था उनको। बट या चलिए अब एविक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आकांक्षा पुरी हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एंड नेक्स्ट वीक के नॉमिनेशंस के लिए जैड को स्ट्रेट अवे नॉमिनेट कर दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने बेबिका के अगेंस्ट हरकत की थी उसके लिए। एंड लाइव फीड में नॉमिनेशंस वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया एंड इस बार फुकरा इंसान एंड पूजा भट्ट को छोड़कर बाकी सारे 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है। एंड फुकरा इंसान के नॉमिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को पता चला। उन्होंने खुद रिवील करके बताया कि वो एविक्शन डे के दिन अपने बैग्स को बिल्कुल भी पैक नहीं किए थे, क्योंकि उनको अपने फुकरा आर्मी एंड पांडा गैंग के ऊपर फुल फेथ था एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो घर से बाहर नहीं जाने वाले। चलो ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है यार कि फुकरा इंसान को कहीं ना कहीं ये फील मिल जा रहा है कि उनको ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बट एक पर्सन फुकरा इंसान से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड वो है उर्फी जावेद। जहां कल उर्फी जावेद अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की जहां पर फुकरा इंसान उनके बारे में ये रिवील करके बताए थे, मेरे को ऐसे रात को फोन आता है उर्वशी रोटेला के साथ म्यूजिक वीडियो कर लो कल सुबह दुबई जाना है, तो मैंने पूछा क्या है प्राइस, कहते ये तो मेरे को तो बार्टर है। मैंने कहा क्यों बार्टर है, कह रहे यूट्यूबर का बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कोलैब हो गया। मैंने कहा नहीं करना, बार्टर से मुझे नफरत है भाई। बार्टर की बात नहीं है भाई, एटलीस्ट हमारी ब्रांड वैल्यू तो है भाई। एक बात बताओ, तुमने हमारा नाम डालोगे हर चीज कमाओगे फिराओगे, तुम पैसे नहीं देना चाहते? हम प्रमोट उठा लिया किसी टिकटॉकर को, अच्छा फ्री में कर रहा वो। उसके बाद मेरे को कहते चलो उर्वशी रोड इलेक्शन में करो, किसके साथ करना है? मैंने कहा किसके साथ? कहते उर्फी जावेद। मैंने कहा नहीं करना, मैं कहा उर्फी जावेद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना मेरे को। तो इसके ऊपर
रिएक्ट करते हुए वो अपने स्टोरी में कही, आई हैव नो आइडिया हु दिस मैन इज, ओनली गॉट टू नो अबाउट हिम आफ्टर बिग बॉस ओटीटी, आई हैव नो आइडिया व्हाई ही इज लाइंग, देयर इज नो सच म्यूजिक वीडियो एवर पीरियड। एंड उसके बाद वो अपने स्टोरी में ये भी कही, अगर आपकी इतनी ही वैल्यू नहीं है तो लोग आपको पैसे जानते हैं, सो हाउ एंड व्हाई विल दे मेक यू चूज कि आपके इस तरह आपके ऑपोजिट कौन होगा। वो आपको पैसे देने को रेडी नहीं है तो वो आपको इतनी पार देने को रेडी है कि आप चूज कर लो, और वो चूज कर लो लेकिन लड़की का कोई नहीं लगा, नहीं मुझसे किसी ने नहीं पूछा म्यूजिक वीडियो के बारे में, मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इजी जस्ट आई ड्रॉप माय माइंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्रेजी थी पुनीत सुपरस्टार के अगेंस्ट फाइनली अपना वीडियो अपलोड कर दिए जो उन्होंने बोला था वो करेंगे, बट इसके कमेंट सेक्शन में उन्होंने एक और चीज लिखा, सी यू ऑल इन बिग बॉस। तो क्या वो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले बिग बॉस हाउस में, लेट्स सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर एंड अनुपम मित्तल के बारे में। तो गाइस आप ये दो शार्क्स को जानते होंगे फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। वेल रिसेंट टाइम्स में शार्क टैंक इंडिया से रिलेटेड एक रूमर फैल रहा है, एक न्यूज बाहर आया है कि शो के जो शार्क्स है वो एंटरप्रेन्योर्स को जो प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफी लेट से दे रहे हैं या फिर दे ही नहीं रहे। अब अश्नीर ग्रोवर तो सीजन 2 में नहीं थे तो इस चीज के ऊपर काइंड ऑफ रिएक्ट किए थे वो, एंड वो एडवाइस किए थे कि शार्क्स को पहले ही पैसे रख देने चाहिए असाइड बिफोर द शूट बिगिंस, क्योंकि तभी प्रूव हो पाएगा कि उनके पास पैसे देने के लिए है। वेल इस चीज के ऊपर शायद इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए अनुपम मित्तल के लिए पोस्ट किए, फर्स्ट इट वाज शार्क्स डू नॉट इन्वेस्ट देयर ओन मनी, देन ओ द शो इज स्क्रिप्टेड, एंड लेटर शार्क्स ओनली फंड प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स, लेटेस्ट इज शार्क्स डोंट एक्चुअली इन्वेस्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, कुछ बोलो तो टॉमी, कुछ ना बोलो तो डॉगी, इट्स अ फैक्ट। या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी बताया कि शायद उनका बॉलीवुड म्यूजिक वीडियो वगैरह कुछ आ सकता है, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। तो भाई जब ऐसे ऐसे गाने आने वाले ना, हमने प्लान कर लिए बॉलीवुड में आने वाली, बॉलीवुड में आने वाली, बड़े 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 सिंगर्स के साथ में, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में, बट वो हम अभी बताने नहीं वाले, बताने नहीं वाले, सरप्राइज। एनीवेज तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय ओपी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन गेमर फ्लीट ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन सुमो मी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली हाईटेक जीएफएक्स को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले केएसआई एंड स्पीड के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि केएसआई एंड लोगन पॉल का जो हाइड्रेशन एनर्जी ड्रिंक कंपनी है प्राइम, वो अब ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बन चुके हैं ऑफ एफसी बार्सिलोना। एंड जैसे ये न्यूज बाहर आया, केएसआई स्पीड को थोड़ा सा पोक करते हुए ये ट्वीट किए, हाउ मेनी बैलन ड्यूर्स डस रोनाल्डो हैव शोइंग हिज सपोर्ट फॉर मेसी। एंड आप लोगों को पता ही होगा स्पीड थोड़ा मेसी से चिढ़ते हैं क्योंकि इज अ रोनाल्डो सपोर्टर। तो इसके नीचे डायरेक्टली उन्होंने ये रिप्लाई कर दिया, दिस इज केएसआई नंबर गाइस, एंड उन्होंने एक्चुअली में एक नंबर लिख दिया। अब पता नहीं ये किसका नंबर है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क कल एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट लाए थे ट्विटर में, जिसमें कि यूजर्स को लिमिट कर दिया जाता है कि वो कितना पोस्ट देख सकते हैं। ये अपडेट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है उनको। तो इसके ऊपर इनडायरेक्टली शायद वो रिएक्ट करते हुए ये कहे, यू अवेक फ्रॉम अ डीप ट्रांस, स्टेप अवे फ्रॉम द फोन टू सी योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, काइंड ऑफ सेइंग कि फोन से भी थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करो। तो इसके नीचे मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करते हुए कहे, फाइन आई विल गो टू बेड। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हाईएस्ट लाइव वॉचिंग स्ट्रीम के बारे में। यहां गाइस एक स्पेनिश स्ट्रीमर है बाय द नेम ऑफ इबाई, कल वो एक बॉक्सिंग इवेंट रखे थे जिसमें कि 3.4 मिलियन लाइव वॉचिंग गया था ट्विच में, एंड ऑफ कोर्स एज अ क्रिएटर दिस इज द हाईएस्ट लाइव वॉचिंग एवर। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।